हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ डीटी नंबर वन का स्मार्ट वॉच। तो आज मैं इसे करूँगा अनबॉक्स और बताऊंगा इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो अगर नए यूजर हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी करना। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, डीटी नंबर वन। इसका डिस्प्ले जो है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा डिस्प्ले लॉन्च हुआ है। 1.9 mm का इसका डिस्प्ले है, और अभी तक की जितने भी स्मार्ट वॉच आए हैं कोई भी इतने बड़े डिस्प्ले में नहीं आए। तो देखिए, डीटी नंबर वन दिया हुआ है, डीटी नंबर वन वॉच। इसमें वेयर प्रो का ये है, ये भी मिल जाएगा। उसके बाद में ऊपर की तरफ देखेंगे डीटी नंबर वन और 45 mm का इसका। बाद में पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका बारकोड दिया हुआ है, जो इसका एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको बारकोड को स्कैन करके। उसके बाद में चलिए इसे करते हैं ओपन। साइड में देखेंगे एक बटन दिया हो पावर ऑन ऑफ का और डिस्प्ले का मोड चेंज करने के लिए। उसके बाद में पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी लाइट्स दी हुई है और एक सेंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद में साइड की तरफ देखेंगे तो हम स्पीकर वन जो है, इसका स्पीकर है साइड की तरफ, इस तरफ, और राइट हैंड साइड स्पीकर है, लेफ्ट हैंड साइड पावर की है, और एक सेंसर भी दिया जो हमारा वॉइस कमांड एक्सेप्ट करेगा, छोटा सा दिया हुआ। देखिए, अब इसे हम करते हैं ऑन। ये वाला पावर की हम इसे प्रेस करेंगे, देखिए आ गया हेलो। टाइमिंग जो है और डेट जो है अलग दिखा रहा है, हम इसे सेट कर लेंगे बाद में। पहले मैं आपको इसका एक रिव्यू दे दूं। उसके बाद में इसका टच भी देखिए, टच भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको डबल टैप करेंगे तो इसका डिस्प्ले मोड चेंज हो जाएगा, देखिए। बहुत सारे फीचर दिए, कॉल अगर आएंगे आपके मोबाइल पे तो इसके आपको शो करेगा। उसके बाद में कॉन्टेक्ट, वो 25 कॉन्टेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग बताएगा, फिटनेस बताएगा, स्पोर्ट्स आपका रनिंग जब करेगा, आपका हार्ट जो है सब बताएगा। NFC भी है, म्यूजिक भी है, और टाइमर भी है, आपका GPS भी इसमें दिखाएगा। देखिए कितना अच्छा स्मूथ फंक्शन कर रहा है एकदम ये। उसके बाद में की जो डिस्प्ले की साइज है, 1.9 इंच TFT डिस्प्ले है, ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेंगे तो साइड की तरफ मेटल दिया हुआ है, पीछे भी मेटल है। और बाकी इसका ये प्लास्टिक है, इसका स्टेप जो है इसको लगा देंगे। आप मार्केट से दूसरा भी परचेज करके इसके लगा सकते हैं। Thank you.
सारे फीचर्स हैं इसके अंदर।